इसलिए हम 399 रुपये में ना 75 किस्म का खाना अनलिमिटेड खिलाते हैं, बुफे लगा होता है, आप खा सकते। कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे हम बिल्डिंग लेते हैं, उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे हमारा स्वीट्स का शोरूम होता है, उसके ऊपर में हमारा कैजुअल डाइनिंग होता है, उसके ऊपर हमारा अनलिमिटेड बुफे होता है, उसके ऊपर बैंक्वेट हॉल होता है। शांतिलाल का और आउटलेट्स पटना के अलावा और कहाँ खुलेगा? पटना के अलावा हमारा लॉन्चिंग है सिवान में, छपरा में, हमारा पूर्णिया भागलपुर में अभी बात चल रही है, साथ ही साथ हम लोग दरभंगा में भी आएंगे, मुजफ्फरपुर, मतलब ओवरऑल बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, और ऐसे में बता दें कि फेस्टिव सीजन इज ऑल अबाउट अच्छा खाना, पेट भर के खाना खाना, जिसमें स्वीट्स का तो एक अलग ही जगह होता है, यानी मिठाइयों का तो अलग ही जगह होता है। और मिठाइयों की अगर बात करें तो पटना में ऐसे बहुत सारे स्वीट्स के दुकान हैं जहां आप मिठाइयों का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर स्वीट्स की बात करें तो वो है शांतिलाल। बता दें कि शांतिलाल का एक और आउटलेट आपके अपने पटना में खुल गया है और वो है राजापुर पुल के पास। इस वक्त हम शांतिलाल के सामने ही मौजूद हैं और आपको हम टूर करवाएंगे, और सिर्फ टूर ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ स्पेशल भी है यहाँ। इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे आखिर वो स्पेशल क्या है, वो डिस्काउंट क्या है जो नवरात्रि के टाइम पे शांतिलाल अपने कस्टमर्स को दे रहा है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ शांतिलाल के सीईओ और फाउंडर अर्जुन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कंसेप्ट इन्होंने निकाला है 399 में अनलिमिटेड बुफे का, वो कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से। शांतिलाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच मैम, और आपको, आप सभी को भी स्वागत है। दुर्गा पूजा का त्यौहार है, सप्तमी का दिन है, स्टिल यू गाइस केम इन माय आउटलेट्स, आई एम रियली थैंकफुल। एक्चुअली मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हूँ, और इस कंपनी का प्लान करा मैंने 2022 में, 8 मार्च 2022 को हमारे कंपनी का पहला आउटलेट लॉन्च किया था। दूसरा आउटलेट कल ही, बस एक दिन पहले मैंने सगना मोड़ पे लॉन्चिंग करा। तीसरा आउटलेट आज हमने करा है। अब कंटिन्यू आउटलेट पे आउटलेट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे पूरा पटना वासियों का, बिहार वासियों का सपोर्ट मिला है मुझे। मैंने उन सारी लोगों की ज़रूरतों को देखा, मैंने देखा कि हर आदमी अपने बच्चे का बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई कॉर्पोरेट मीटिंग करना चाहते हैं, अगर वो किसी बैंक्वेट हॉल को बुक करते हैं, किसी होटल को बुक करते हैं, दे विल चार्ज 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1500 रुपये प्लेट्स ना। बट ऐसा है कि एक इंसान खाना उतना खाता नहीं है जितना चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। अगर हम घर में रहते हैं, घर में 4 रोटियाँ खाते हैं, तो किसी ऐसे प्लेस पर हम जाते हैं जहाँ पे चार्जेस 2500 रुपये है, तो वहाँ पे हम 10-12 रोटियाँ नहीं खाएंगे, हम 4 ही रोटी खाएंगे ना, तो फिर हम चार्जेस ज़्यादा लें क्यों, ठीक है। तो मैंने वॉल्यूम के साथ खेला, मैंने टारगेटेड ऑडियंस हमारे मिडिल एंड लोअर फैमिलीज हैं, हम चाहते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरा हो, इसलिए हम 399 रुपये में ना 75 किस्म का खाना अनलिमिटेड खिलाते हैं, बुफे लगा होता है, आप खा सकते हैं। अनलिमिटेड बुफे में क्या क्या फूड आइटम्स हैं? सबसे पहली बात, हमारी कंपनी प्योर वेज में डील करती है, इसमें आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ सैलड्स होगा, सूप्स होगा, उसके अलावा मेन कोर्स होगा, आप देखेंगे तो डेजर्ट 10 से 12 किस्म का होगा, फिर आइसक्रीम है, कुकीज है, टी, कॉफ़ी, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, हर जगह पर हम बिल्डिंग लेते हैं, उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर हमारा स्वीट्स का शोरूम होता है, उसके ऊपर में हमारा कैजुअल डाइनिंग होता है, उसके ऊपर हमारा अनलिमिटेड बुफे होता है, उसके ऊपर बैंक्वेट हॉल होता है। ये हमारे कंपनी का कॉन्सेप्ट, और हम हर जगह ऐसे ही प्लान कर रहे हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं। प्लानिंग है कि देश के हर जिला में एक आउटलेट एटलीस्ट हो। एज यू सेड कि 2022 में आपने ये शुरू किया, तो एज पटना में तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि मिठाई के और स्वीट्स के, तो आपको चैलेंजिंग नहीं लगा?
बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं लगा मैम, क्योंकि हर लोग अपना USP है, अपना काम करने का तरीका है, सभी लोग अपने स्टाइल से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी के बारे में नहीं सोचता, मुझे अपने काम में इतना इन्वॉल्व रहने का आदत है ना कि मेरा किसी पे ध्यान नहीं जाता। हर लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं अपने प्लेस पे अच्छे से मेहनत करता हूँ, उसमें कोई कोताही नहीं। 10 दिनों से मैं नहीं सोया हूँ, मतलब आधा घंटा एक घंटा सोया तो उसका रिजल्ट आता है। हर लोग मैंने बस सिंपल से मैंने एक ही चीज़ है, आप सोचो दिमाग में, आधा काम उसी दिन हो जाता है, जिस दिन इम्प्लीमेंट करना चालो ना 100% हो जाता है। और रिजल्ट ये है कि हम 18 महीने में 3 आउटलेट्स आप रनिंग है, कमिंग 3 से 4 आउटलेट्स हम 2 महीने में क्लियर कर देंगे। ये जो 399 वाला कंसेप्ट है, ये सिर्फ अभी फेस्टिव सीजन के लिए है या फिर ऑल टाइम के लिए? ऑल टाइम, ऑलवेज शांतिलाल में ये बुफे लगा रहता है। अभी फेस्टिव सीजन के लिए कुछ स्पेशल? एक्चुअली हमारे तरफ से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेट बहुत ही इकोनॉमिकल रखा है, बट बल्क ऑर्डर होता है और कोई लोग आके मेरे से बात करते हैं कि गिव मी सम डिस्काउंट, तो आज तक मेरे आउटलेट से कोई निराश होकर नहीं गया। ये मैं नहीं, आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, रिव्यूज देखिए, फेसबुक पे देखिए, सब लोगों ने तारीफ किया है और जिन लोगों ने कमियां डाला है मैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि पता है अगर मेरे बारे में, मेरे यूनिट के बारे में कमी बताएंगे तभी मैं इम्प्रूव करूँगा। ओके, तो शांतिलाल का और आउटलेट्स पटना के अलावे और कहाँ खुलेगा? पटना के अलावे हमारा लॉन्चिंग है सिवान में, छपरा में, हमारा पूर्णिया भागलपुर में अभी बात चल रही है, साथ ही साथ हम लोग दरभंगा में भी आएंगे, मुजफ्फरपुर, मतलब ओवरऑल बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट, फिर हम लोग झारखंड एंट्री करेंगे। इसी ऐसे ही सबका सपोर्ट मिला तो देश के हर जिले में रहेंगे। हाँ, तो देखिए ये शांतिलाल के जो CEO और फाउंडर है, इन्होंने कहा कि 2022 से इन्होंने ये आउटलेट का जो है शुरुआत किया। और आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन में अगर किसी चीज़ का लोगों को इंतज़ार रहता है तो इट्स ऑल अबाउट कि अच्छा खाना मिले, अच्छे स्वीट्स मिले, जिसके वजह से जो फेस्टिव सीज़न है वो और जो है और अच्छा हो जाए। तो आपको हम हल्का टूर करा देते हैं शांतिलाल स्वीट्स का, और आपको हम दिखा देते हैं कि क्या क्या आइटम्स है। तो देखिए आपको यहाँ पे सारे स्वीट्स के आइटम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि और जो मेन बात है वो ये है कि ये जो नवरात्रि का और फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग सेंधा नमक खाते हैं या घी के बने आइटम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने में, तो ये 100% प्योर वेज है और यहाँ आपको घी से बने आइटम्स ही अवेलेबल होते हैं। तो देखिए आपको हम बता दें कि ये आउटलेट जो है वो बहुत ही इंटीरियर भी आपको हम दिखा के, बड़ा ही खूबसूरत सा इंटीरियर है। आपको देखिए उधर शीशे से बनी ये जो दीवार जैसी है वो दीवार नुमा बनाया गया है और इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये आपको बताया कि शांतिलाल का, अगर आपको हम एड्रेस भी बता दें तो राजापुर पुल है, जो राजापुर पुल के जस्ट पैंटलून्स के बगल में आपको शांतिलाल जो है वो मिल जाएंगे। और अभी नवरात्रि का सप्तमी है, सप्तमी के दिन जहाँ एक तरफ दुर्गा पूजा जो पंडाल होते हैं, पंडाल में माँ का कपाट खुल जाता है और इसलिए शांतिलाल का भी जो है आज ये ओपनिंग हुआ आज, और बिहार पटना में और इतना ही नहीं, सिर्फ पटना के में ये तीसरा आउटलेट है, पटना के बाहर भी आपको और आउटलेट्स बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा टूर जो है वो हमने आपको कराया, और आपको बता दें कि ये जो फ्लोर, ये जो बिल्डिंग है, ये 4 फ्लोर में, जिसमें जो बेस है यानी ग्राउंड फ्लोर है वो स्वीट्स का है, जो 2nd फ्लोर और जो 3rd फ्लोर है वहाँ आपको, और जो सबसे बड़ी बात है वो है 399, यानी कि बजट फ्रेंडली है। 399 में आप अनलिमिटेड बुफे, जिसमें आपको 75 आइटम्स फूड आइटम्स मिल जाता है। तो देखिए शांतिलाल में आइए और अपना ये जो फेस्टिव सीजन है ये मस्त खाइए पीजिए मिठाइयों के साथ और इंजॉय करिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ पटना।